मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों में किसी प्रकार का भय नहीं देखा जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक के बाद एक लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला उज्जैन जिले के नागदा का है, जहां दो बच्चों का पिता लड़की को बहला फुसला कर फरार हो गया। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। दरअसल मामला उज्जैन जिले के नागदा का है, जहां करीबन एक माह पहले वर्ग विशेष का व्यक्ति युवती को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, लेकिन अब तक पुलिस आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा पाई, जिससे नाराज समग्र हिंदू समाज ने धरना प्रदर्शन की तैयारी की थी। लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए एडिशनल एसपी ने समाजजनों से मुलाकात की और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। 27 तारीख को एक हिंदू बेटी हमारी, एक मुस्लिम युवक जो लेके चला गया था, उसकी शिकायत मंडी थाने में दर्ज है। एक माह के करीब उन्हें आया, बाकी अभी तक उसका कोई पता नहीं चला, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है और उसको लेकर हिंदू जागरण मंच के माध्यम से पूर्व में ज्ञापन दिया गया था। अभी हिंदू समग्र हिंदू समाज की ओर से सब एक प्रतिनिधिमंडल 24 तारीख को जो धरना आंदोलन करने वाला था, तो प्रशासन ने आके एडिशनल SP साहब मिले सबसे और आश्वासित किया है कि अभी कोई कार्यक्रम त्यौहार और अन्य चीज़ों को देखते हुए और दूसरा कि हम लगे हुए हैं ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है, तो उसको स्थगित करते हुए हमने कुछ दिन उनके आग्रह पर हम रुके हैं। अन्यथा अगर उनने नहीं करा तो पूरा हिंदू समाज का जो प्रतिनिधिमंडल है, विगत दिनों बैठक हुई थी उसमें लगभग 30 जने ऐसे प्रमुख हैं समाज के और सामाजिक संगठन के, उन्होंने तय किया है कि SP साहब का अगर अगली बार नहीं होता है कुछ भी तो धरना दिया जाएगा, SP साहब का वहाँ पे घेराव किया जाएगा, नागदा बंद जैसे जो है आंदोलन किए जाएंगे, उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि नागदा नगर में आए दिन कुछ न कुछ घटना इस तरह की हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ या भगाने के विषय आ रहे हैं और वो रिपोर्ट थाने में नहीं कर पा रहे। गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद है, वो चंद ही लोग अवैध धंधे कर रहे हैं और ये लड़कियों पर भी वही काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी किसी भी समाज धर्म का हो ऐसी बहन बेटियों पर शिकंजा कसना चाहिए। और प्रशासन हमारा ये शिकायत भी रही है अभी एडिशनल साहब को, एक माह के करीब होने आ गया और अब वो आए हैं, क्योंकि हमने धरने का 24 को रखा था इसलिए वो यहाँ पे आए, और इसमें TA साहब भी तफ्तीश कर रहे थे और उज्जैन के कोई अधिकारी नहीं आया था, तो वो आए और बात सबकी हुई, सब ने आश्वासन दिया, उसके बाद में हमने धरना स्थगित करके आगे जो भी तारीख होगी उस पर नवरात्रि के बाद में इसका बढ़ाएंगे, अगर पकड़ा जाती है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे उसके लिए। फिलहाल लव जिहाद की घटना को लेकर हिंदू संगठन सहित समाज में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। सर, सर्व समाज के लोगों ने मुलाकात की, क्या मामला है? आज नागदा में सर्व समाज के लोगों ने मुझसे और SDM साहब से, थाना प्रभारी जी से एक विषय को लेकर के मुलाकात की है, जिसमें एक गंभीर विषय है जिसको पुलिस काफ़ी गंभीरता से ले रही है और उस विषय पे निरंतर ही हम काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के इनका ज्ञापन या धरना का कुछ करने का कुछ प्लान था। आज हम लोगों से बात की और हमारे द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो भी अपराध हुआ है उसमें बिल्कुल तत्परता से कार्रवाई की है और शीघ्र ही उसमें आरोप जो भी आरोपी उनको गिरफ्तार किया। सर, लगभग एक महीना हो गया उनका ऐसा कहना है, पुलिस के द्वारा इसमें निरंतर कार्रवाई की जा रही है और जो भी कार्रवाई है उनके फरियादी पक्ष को बताई जा रही है, वो संतुष्ट भी हैं पुलिस की कार्रवाई से और हमने अभी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले का हम लोग खुलासा करेंगे। सर, आने वाले समय में नवरात्रि पर्व है शहर के अंदर, उस पर और सामाजिक तत्वों का रहता है, तो उसके लिए क्या? देखो, निश्चित ही आने वाले समय में हमारे सामने त्योहारों का विषय है और त्योहारों के विषय में जो भी सुरक्षा व्यवस्था रहती है इस बार और अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे और सभी लोग त्यौहार मिलजुल के मनाएं, खुशी से मनाएं और किसी भी तरीके के असामाजिक तत्वों को पुलिस ने कभी नहीं छोड़ा है, अभी भी हम लोग वर्तमान में उन्हें चिन्हित कर रहे हैं और जो आदत। नागदा से लोकेंद्र पोरवाल की रिपोर्ट।